हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक मिल्क टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और उसकी रेडियस 1.5 मीटर है, यानी बेस जो सर्कुलर बेस होता है उसकी रेडियस 1.5 मीटर आपको दे रखी है, और उसकी लेंथ यानी सिलेंडर की लेंथ अगर हम बात करें तो यही लेंथ क्या है, हाइट का काम करेगी। ठीक है, वो कितनी है यानी हाइट कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो आपको क्या पता करना है कि इसमें कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, यानी इस सिलेंडर में कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है, वो भी किस में, लीटर्स में, इसकी क्वांटिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं। सपोज ये वो मिल्क टैंक है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि सिलेंडर फॉर्म में है, फिर इसकी जो बेस रेडियस दे रखी है वो है 1.5 मीटर। तो ये रख दिया हमने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 1.5 मीटर। और क्या कहा है, इसकी लेंथ, लेंथ मतलब इसकी हाइट, तो ये दे रखी है 7 मीटर। ओके, और कहा कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, तो मिल्क से जब ये भर जाएगा तो इसका मतलब मिल्क इसे पूरा फिल करेगा। इट मींस मिल्क जो है वो क्या बनाएगा, इसका वॉल्यूम। ठीक है, मींस हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, और वॉल्यूम भी किस में पता करना है, लीटर्स में। ठीक है, तो अब जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि दोनों जो हमारे पास ये है रेडियस और लेंथ वो किस में है, मीटर्स में है। तो इसे हमें लीटर में निकालने के लिए रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में अब हमें क्या दे रखा है, इन सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक आपको क्या दे रखा है, इसे बेस रेडियस दैट इज 1.5 मीटर, दूसरा है लेंथ, है ना, यही लेंथ हाइट का काम कर रही, तो हाइट ये लेंथ इट इज गिवन एज 7 मीटर। और आपको निकालना है कि कितना इसमें मिल्क आएगा, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरा के पूरा जो हमें निकालना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, किसी चीज को हम भरते हैं उसमें जो स्पेस है वो किससे बताया जाता है, वॉल्यूम से। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सारी वैल्यूज रख दो, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर रेडियस दे ही रखी है आपको और एच हाइट भी आपको दे रखी है, सिर्फ इसमें वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैल्यूज रखें तो पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, रेडियस गिवन है, रेडियस है 1.5 और उसके ऊपर स्क्वायर है इनटू, और हाइट, हाइट क्या है 7। तो देखिए ये भी मीटर में, मीटर में, तो आंसर आएगा वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब। ठीक है, और आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाता है, 22/7 इनटू, इट कैन बी राइट एज 1.5 इनटू 1.5 दो बार क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 7 और मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है,
ठीक है, तो एक ही ज़ीरो पड़ेगा। इसी तरह से इस पॉइंट को भी आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, तो ये हो गया 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए आप। तो देखिए 7 7 को कैंसिल कर देगा, फिर बाकी इन 10 को ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि सिर्फ हम पॉइंट को क्या कर देंगे, एक तरफ सरका देंगे। ठीक है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 into 1 15 into 15 और नीचे 10 into 10 आप 100 कर दीजिए मीटर क्यूब। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 4950 और नीचे क्या है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, इस ज़ीरो से आप ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। अब क्या है, ये आया है हमारा आंसर किस में, मीटर क्यूब में। ठीक है, जबकि हमें इसे किस में निकालना है, लीटर में निकालना है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो मीटर क्यूब और लीटर इसके बीच में जो रिलेशन है हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका रिलेशन है ओके, इनके बीच में जो रिलेशन है वो है 1 meter cube इज इक्वल्स टू 1000 liter। ठीक है, इस रिलेशन का हम इसमें यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 495 upon 10। आप इसे ऐसे ही रखिए और इसे लिख सकते हैं मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 meter cube, यानी अगर इसे हम देखें तो इंटू वन ऐसे लिखा जा सकता है। तो पूरे 1 meter cube की जगह हम प्लेस कर देंगे क्या, ये 1 meter cube की जगह आप 1000 liter लिख सकते हो। तो इंटू और इस मीटर क्यूब की जगह लिख दिया हमने 1000 liter। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 495 और 00। ठीक है, लीटर, तो ये आ गया लीटर में ओके, और यही हमें निकालना था आंसर हमारा, यही है स्टेटमेंट लिख दें तो द सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक विल स्टोर 49500 liter ऑफ मिल्क इन इट ओके। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।